नमस्कार, मैं प्रिया। आज है 21 सितंबर। आइए आपको ले चलते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों पे। बिहार के बक्सर सहित राज्य की कई नदियों का जलस्तर बढ़ा। बिहार के बक्सर जिले में गंगा नदी का पानी रेड निशान से 60 सेंटीमीटर ऊपर हुआ। मुंगेर में भी रेड निशान के पार हुई नदी, जिसके लिए मौसम विभाग और प्रशासन ने बारिश को लेकर सचेत रहने और सावधानी बरतने को कहा है। बिहार रोड सेफ्टी काउंसिल परिवहन विभाग की ओर से सरकारी ड्राइवरों को नियमों की जानकारी दी गई। मुख्य सचिवालय, विकास भवन और विश्वेश्वरा भवन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सरकारी वाहनों के सभी ड्राइवरों को यातायात नियमों और सड़क सुरक्षा जागरूकता सह प्रशिक्षण दिया गया। साथ ही साथ उन्हें गाड़ी चलाते समय सावधानी और सभी कागजातों को साथ रखने के लिए भी प्रशिक्षित किया गया, जिनके नियमों का उल्लंघन करने पर दंड का भुगतान के लिए भी जागरूक किया गया। जदयू प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह ने कहा यह। जदयू प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह ने कहा कि पार्टी की नींव राम मनोहर लोहिया और जयप्रकाश नारायण की विचारधारा पर रखी गई है, जिसकी विचारधारा में कभी परिवर्तन नहीं होगा, जबकि आज देश में विचारों का ही संकट है। इसके बाद वशिष्ठ नारायण ने अपने कार्यकर्ताओं को सलाह दिया कि हमें अपने लक्ष्य को देखना होगा, न कि अगल बगल में। पटना के बाढ़ संभावित इलाकों में पहुंचे सीएम नीतीश। बिहार की गंगा नदी और दीघा घाट के जलस्तर का पिछले दिनों सीएम नीतीश कुमार और डीएम कुमार रवि ने इसका निरीक्षण किया है, जिसके दौरान उन्होंने सड़क मार्ग से होते हुए जेपी पुल सेतु से हाजीपुर और गंडक पुल से लेकर नदी तक का मुआयना भी किया। शुक्रवार को वह एरियल सर्वे और गंगा नदी से बक्सर तक की स्थिति देखने भी पहुंचे, जहां उन्होंने अधिकारियों को आवश्यक निर्देश के साथ साथ विचार विमर्श भी किया। पूर्व सीएम लालू के बेटे तेज प्रताप यादव देर रात पहुंचे वृंदावन। इन दिनों राजद सुप्रीमो लालू के बेटे तेज प्रताप यादव परिवार और पत्नी से दूर होकर फिर से वृंदावन की सैर पर निकल चुके हैं। पहले भी तेज प्रताप यादव वृंदावन की प्रवास यात्रा पर रह चुके हैं। सीएम नीतीश, आने वाले 2020 के चुनाव में भाजपा 200 से ज्यादा सीटें करेगी हासिल। सीएम नीतीश कुमार ने राज्य परिषद की बैठक को संबोधित करते हुए अपने बयान में कहा कि विपक्ष चाहे जो कुछ भी बयानबाजी करे, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि उन्हें अगर ऐसी बातों से खुशी मिलती है तो वे खुश हो। वे जानबूझकर ऐसा बयान देते हैं, जबकि उन्हें आने वाले चुनाव में ही पता चल जाएगा कि कौन कितने पानी में है। बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष और नेता केदारनाथ पांडे और जनरल सेक्रेटरी शत्रुघ्न प्रसाद ने सीएम नीतीश से की मांग, जिसमें शिक्षा को पंचायती राज से मुक्त करने और 18 साल के बच्चों को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A के तहत मौलिक अधिकार प्रदान करने और शिक्षा अधिकार अधिनियम के तहत सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी स्कूलों को भी शामिल करने के संबंधी प्रावधान और स्थान संवैधानिक संशोधन को अनिवार्य करने एवं राज्य में नियमित वेतनमान पर योग्य और कुशल शिक्षकों की नियुक्ति करने की मांग की है। बघा गांव के तालाब से निकला मगरमच्छ, ग्रामीण सकपक आ गए। बघा गांव के एक तालाब में मगरमच्छ होने की सूचना वन विभाग को दी गई, जिसे ग्रामीणों द्वारा प्रशासन की सहायता से तालाब से पकड़कर निकाला गया। बताया जा रहा है कि मगरमच्छ बाढ़ के पानी की वजह से इस तालाब के पानी में किसी दूसरी जगह से आ गया था। भाजपा के खिलाफ कांग्रेस पार्टी का बड़ा अभियान। जन और जनादेश को जागरूक करने के लिए कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी इन दिनों अपने कार्य चरम पर है, जिसमें भाजपा की सच्चाई जनता के सामने रखने और उन्हें अपने संपर्क अभियान के दौरान युवाओं को राष्ट्रीयता, आर्थिक मंदी से निपटने के तरीके, धर्मनिरपेक्षता, भाजपा के भ्रामक विचार और वर्तमान राजनीतिक स्थिति से अवगत कराएंगी। इसके लिए वैसे नेताओं का चयन किया जाएगा जिनकी संबंधित विषय पर अच्छी पकड़ हो। इसके लिए 10 से 15 अक्टूबर तक पटना में सेमिनार का आयोजन और 15 से 20 अक्टूबर के बीच इन्हीं मुद्दों को लेकर जागरूक किया जाएगा। अब इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रवेश करने के लिए महज 3 मौके। पटना सहित प्रदेश के सभी सरकारी कॉलेजों में अब प्रवेश के लिए केवल 3 ही मौके मिलेंगे, जिसमें पहले की तरह बिना लिमिट के काम नहीं होगा। जैसा कि पहले छात्र जितनी बार चाहे उतनी बार प्रवेश परीक्षा दे सकते थे, लेकिन अब प्रदेश के विज्ञान एवं तकनीकी विभाग ने अपनी देखरेख में प्रत्येक जिलों में संचालित सभी 38 इंजीनियरिंग कॉलेज में इंडक्शन मीटिंग करना शुरू कर दिया है। बिहार के 29,000 केंद्रों पर बनेंगे वोटर लिस्ट कार्ड। बिहार के सभी नागरिकों के लिए खुशखबरी है। जिनके भी नाम मतदाता सूची में नहीं है, वे वसुधा केंद्रों पर जाकर अपना नाम सूची में शामिल कर सकते हैं। इसके लिए बिहार के 29,000 वसुधा केंद्रों पर ऑनलाइन आवेदन की सुविधा उपलब्ध की गई है, जिसमें वसुधा केंद्र पर एपिक प्रिंट का भी काम किया जाएगा। इसमें मतदाताओं की हर सेवा के लिए अलग अलग शुल्क निर्धारित किए गए हैं। बता दें कि मतदाता पुनरीक्षण 15 अक्टूबर से किया जाएगा। पटना से काठमांडू तक की सीधी होगी रेल सेवा।
पूर्व मध्य रेलवे के महाप्रबंधक ललित चंद्र त्रिवेदी ने बार उद्योग संघ के सभागार में आयोजित कार्यक्रम के दौरान कहा, बद्रीवास एवं जयनगर से जनकपुर तक रेलवे लाइन पर तेजी से कामों को किया जा रहा है, जिसके दौरान उन्होंने ये भी कहा कि 2 सालों में पटना से नेपाल की राजधानी काठमांडू के लिए भी सीधी रेल सेवा शुरू की जाएगी, जिसका निर्माण कार्य इसी अवधि के अंतर्गत कर लिया जाएगा। बिहार की बेटी अंजलि सिंह बनी विदेश की पहली महिला विंग कमांडर। अंजलि समस्तीपुर जिले के वारिसनगर प्रखंड के मकसूदपुर की रहने वाली है, जो कि 17 वर्षों से सैन्य सेवा में है। अब उन्होंने एक नई उपलब्धि हासिल करते हुए उन्हें भारतीय मिशन के तहत विदेश में तैनात होने वाली पहली महिला विंग कमांडर बनाया गया है, जिससे उनके परिवार सहित गांव में भी खुशी मनाई जा रही है। अंजलि के चाचा ने बताया कि उनके पिता मदन सिंह एयरफोर्स में फ्लाइट लेफ्टिनेंट थे, जिसे प्रेरित होकर अंजलि भी SSB की परीक्षा से एयरफोर्स में एंट्री ले ली है। बिहार के नर्वदेश्वर तिवारी ने रक्षा मंत्री के साथ उड़ाया तेजस विमान। बिहार के सिवान जिले के गुठनी प्रखंड के श्रीकरपुर गांव में रहने वाले नर्वदेश्वर तिवारी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ तेजस विमान में पहली बार उड़ान भरकर इतिहास रच दिया है। बता दें कि यह विमान गुरुवार को बेंगलुरु स्थित हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड से रवाना हुई थी, जिसमें पहली बार कोई रक्षा मंत्री बैठे थे, जिसे लेकर नर्वदेश्वर के पैतृक गांव में खुशी का माहौल है। इंटरसिटी एक्सप्रेस की इंजन बोगी को लाइन पर छोड़कर बढ़ गई आगे। दरअसल गोरखपुर जाने वाली इंटरसिटी एक्सप्रेस की इंजन बोगी को लाइन पर ही छोड़कर आगे बढ़ गई। यात्रियों के हंगामा मचाने के बाद पीछे बैठे गार्ड को इसकी जानकारी मिली, जिसके पश्चात वायरलेस सेट से ट्रेन के ड्राइवर को इसकी जानकारी दी गई। जानकारी के बाद इंजन को रोककर बैक किया गया। सीएम नीतीश बोले, वक्फ बोर्ड का निर्माण प्रत्येक जिले में होगा। सीएम नीतीश ने एक बैठक के दौरान कहा कि बिहार के प्रत्येक जिले में वक्फ बोर्ड भवन बनाया जाएगा और साथ ही अल्पसंख्यक विद्यार्थियों के लिए आवासीय विद्यालय का निर्माण तेजी से कराया जाएगा, जिसमें खेल मैदान की भी व्यवस्था होगी। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि तलाकशुदा और परित्यक्त महिलाओं का सर्वेक्षण कर जरूरतमंदों को ₹25,000 सहायता राशि उपलब्ध कराई जाएगी, जिसके दौरान वित्त निगम की पूंजी की हिस्सेदारी को 80 करोड़ करने की सहमति जताई है। अक्षय की फिल्म में बिहार के अभिमन्यु को मिला मुख्य किरदार। 39 वर्षीय अभिनेता अभिमन्यु सिंह ने हाल ही में रोहित शेट्टी की फिल्म हासिल की है, जहां वह अक्षय कुमार के साथ मुख्य विरोधी की भूमिका निभा रहे हैं। सूर्यवंशी नामक फिल्म 2020 में सिनेमाघरों में प्रदर्शित होने की उम्मीद है। मूल रूप से बिहार का रहने वाला यह अभिनेता इस फिल्म की शूटिंग के लिए पहले से ही मुंबई में है। उनसे बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि जब रोहित शेट्टी ने इस फिल्म के लिए साइन किया, जो कि उनके और अक्षय के साथ वे पहली बार काम करने के लिए बहुत ही उत्साहित थे। पटना के रविंद्र भवन में आयोजित कार्यक्रम में जदयू के वशिष्ठ नारायण सिंह किए गए सम्मानित। पटना के रविंद्र भवन में आयोजित कार्यक्रम में जदयू के राज्य परिषद के नवनिर्वाचित वशिष्ठ नारायण सिंह को जदयू का वरिष्ठ नेता व पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनने की बधाई दी। सीएम नीतीश कुमार ने उन्हें गुलदस्ता भेंट कर सम्मानित किया। इसके दौरान उन्हें पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष पद का एक सर्टिफिकेट सौंपा गया। बता दें, साल 2010 से ही वे पार्टी के अध्यक्ष की भूमिका में। सीएम नीतीश को जवाब में मिला केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का उत्तर। बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने नीतीश कुमार को जवाब देते हुए कहा कि वे ना तो किसी के आगे बोलते हैं और ना ही किसी के पीछे, बल्कि उन्हें जो भी अच्छा और सही लगता है वो ही बोलते हैं और उस पर अडिग भी रहते हैं। बता दें कि सीएम नीतीश ने अपने भाषण में कहा था कि जो लोग बोलते हैं वो बोले, विपक्ष के लोग अनाप शनाप बोलते रहते हैं। तेजस्वी ने पूछा, नीतीश चाचा ने मुझे डिप्टी सीएम क्यों बनाया। तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश चाचा बोलते हैं कि जो लोग हम पर सवाल करते हैं उन पर मैं ध्यान नहीं देता, जिसे ABCD और क ख ग घ नहीं आता वो मुझ पर उंगली उठाता है। जिसके जवाब में तेजस्वी ने पूछा कि अगर मुझे राजनीति की क ख ग घ और ABCD नहीं आती तो आपने मुझे डिप्टी सीएम क्यों बनाया, और अगर आपको सब कुछ आता है तो राज्य के स्वास्थ्य विभाग का इतना बुरा हाल क्यों है। जाप के अध्यक्ष पप्पू यादव ने पटना के गर्दनीबाग में धरना कार्यक्रम को किया संबोधित। बीते दिनों पप्पू यादव जन अधिकार युवा परिषद के तत्वाधान में रोजगार नहीं तो सरकार नहीं को संबोधित कर रहे थे, जिसमें उन्होंने कहा कि जब देश और राज्य की सरकार गैर देश चिंतकों का ही साथ देगी तो बिहार के युवाओं और बेटियों का क्या होगा। राज्य से नफरत को खत्म करने के लिए राज्य के युवाओं को आगे आना होगा। देश के नेता NRC 3 तलाक और धारा 370 जैसे मुद्दों से सिर्फ जनता का ध्यान भटका रहे हैं, न कि उनकी भलाई कर रहे हैं। बिहार के अभ्यर्थियों को झारखंड में नौकरी करने की हुई मनाही। बिहार के लोगों को झारखंड में नौकरी अब नहीं दी जाएगी। बता दें कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने स्टाफ प्रशाखा पदाधिकारी, सहकारिता प्रसार पदाधिकारी और प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी के साथ ही कई विभिन्न पदों पर भी नियुक्ति निकाली है। यह नियुक्ति प्रक्रिया अक्टूबर तक चलने वाली है, जिसमें झारखंड के सीएम रघुवर दास ने बिहार के किसी भी अभ्यर्थी के लिए आवेदन करने की आज्ञा नहीं दी है। मनोज बाजपेयी की पहली वेब सीरीज द फैमिली मैन रिलीज। इस सीरीज को Amazon Prime Time पर
सब्सक्राइब कर देखा जा सकता है, जिसमें सामाजिक राजनीतिक की एक्शन थ्रिलर बेस्ड सीरीज में 10 एपिसोड है, जिसमें मनोज बाजपेयी के किरदार का नाम श्रीकांत है और इसमें वो एक मिडिल क्लास आदमी का किरदार निभा रहे हैं। विराट कोहली ने T20 2019 में अपनी जीत का किया खुलासा। विराट ने मैच के बाद बताया कि कौन है वो जिसकी वजह से उन्होंने बल्ले की बेहतरीन बाजी खेली, तो पता चला कि कमेंटेटर संजय मांजेकर ने उन्हें टॉस के वक्त ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बेहतरीन पारी के बारे में याद दिलाई और कहा कि वे उसे बहुत ही सुखद एहसास के साथ याद करते हैं, जिसे विराट ने प्रेरित होकर उन्होंने एक और अच्छी पारी खेल दी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने सुस्त पड़ती अर्थव्यवस्था को राहत दी, जिसके ऐलान के कुछ ही मिनटों बाद निवेशकों को 5 लाख करोड़ से ज्यादा का फायदा हुआ, जिसमें कैपिटल गेन्स टैक्स भी खत्म किया गया है। जब बीते 5 जुलाई को बजट पेश करने के बाद शेयर बाजार से लगातार गिरावट पर बंद हो रहा, उसी समय उन्होंने विदेशी संस्थागत निवेशकों पर कैपिटल गेन्स टैक्स लगाने का ऐलान किया था। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।